नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। मानबू के टिपना मुख्य सड़क पर उलीडी थाने के महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर हलवे हथियार से लैस दर्जनों की संख्या में युवकों ने हमला कर दिया और केंद्र में जमकर तोड़फोड़ भी किया। इस दौरान केंद्र में कार्य कर रहे 3 लोगों की डंडा रोडर हथौड़े से भरपूर पिटाई की गई। नशा मुक्ति केंद्र में तोड़फोड़ करने के बाद युवकों ने टिपना मुख्य सड़क स्थित होटल में भी तोड़फोड़ किया। साथ ही बीच सड़क में जा रहे टेम्पो वाले को मारा और ठेले वाले खोमचे वाले को भी अपना शिकार बनाओ और जो सामने दिखा उसकी भरपूर पिटाई कर दी। हद तो तब हो गए जब बीच सड़क पर हथियारबंद युवकों का तांडव देखकर मौके में पुलिस पहुंची तो पुलिस वाले पर भी इन युवकों ने हमला कर दिया। इससे पुलिस को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा, फिर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। उसके बाद पुलिस सबों को पकड़कर थाना ले गई। इस बीच मार से घायल लोगों ने मामले की जानकारी भाजपा नेता विकास सिंह को दिया। सूचना मिलते ही विकास सिंह उलीडी थाने में पहुंचकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। उनके मुताबिक हमलावर खुलेआम सड़क में चिल्लम चिल्ली कर मंत्री की पैरवी का हवाला देते हुए पुलिस को चुनौती दे रहे थे। इधर पकड़े गए युवकों के पक्ष में सैकड़ों की संख्या में लोगों का जमावड़ा भी उलीडी थाने में लगने लगा। भाजपा नेता के मुताबिक थाने में मौजूद हमलावरों के समर्थक मोहम्मद अराजा एवं मंजर खान ने विकास सिंह को वापस चले जाने की हिदायत दी। विकास सिंह का कहना है कि कोई कितनी भी बड़ी पैरवी वाला या ऊंचे रसूख वाला हो, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। पुलिस के साथ आम राहगीरों पर हमला करना सीधे सीधे जिला प्रशासन को चुनौती देना है। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता ने मामले की जानकारी जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक को दी, कहा दोषियों पर कार्यवाही की मांग की, जबकि दूसरे पक्ष के लोग मांगे पूरे नहीं होने पर रोड जाम करने की चेतावनी दे रहे थे। मामला बढ़ता देख मौके पर पटमदा DSP पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया। उन्होंने घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भिजवाया। हमलावरों को जेल भेजने की बात कही। मारपीट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस उसी आधार पर मामले की जांच में जुटी है। एक नशा मुक्ति केंद्र चलती है, यहाँ लगभग 50 की संख्या में अपराधी हरवे हथियार के साथ आए और हमला कर दिया। और हमला तो वहाँ किया, उसके बाद जब अपराधी बाहर निकले तो बीच सड़क में जो लोग मिले सभी को मारने लगा। दुकान वाले को, टेम्पो वाले को, रोड में खोमचा वाले को सभी मारने लगा। मौके में पुलिस गई। हद तो तब हो गई जब हमलावर पुलिस के ऊपर हमला कर दिए। पुलिस को बहुत मेहनत करना पड़ा, मशक्कत करना पड़ा स्थिति को काबू में करने के लिए। मुझे सूचना मिली, मैं मौके में आया और मैंने कहा कि कानून किसी को अपने हाथ में लेने का हक और ताकत नहीं है, क्योंकि ये भारत में 1947 से बनाया गया कानून। और निश्चित रूप से हमने थानेदार को कहा कि अगर आप किसी के दबाव में अगर अपराधी को छोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो हम कानून के सम्मान में भी सड़क पर उतर जाएंगे। मारपीट आखिर की हमें जानकारी नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में जैसे मुझे पता चला कि नशा मुक्ति केंद्र में कोई लड़का था, वह घर जाके बताया कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में खाने को बढ़िया नहीं मिलेगा और उन लोगों साथ ही संधि से जाके हमला कर दिया। ये मुझे जानकारी नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि चार लोग गिरफ्तार हुए। किसी नाम कुछ पता नहीं है। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली फोन के माध्यम से कि उलीडी थाना में हमारे मित्र माइल आजाद साहब को रखा गया है। यहाँ लोगों से जब हमें पता चला तो अपने बच्चे को यहाँ उलीडी लेने के लिए आए थे। इसी बीच में लोगों से विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी गई, उनसे बच्चों को भी लोगों ने मारपीट किया और इस्माइल आजाद के साथ मुक्की करके इसे पकड़ के ला के हाजत में बंद कर दी गई। और यहाँ के स्थानीय नेता विकास सिंह जो यहाँ के नेतृत्व करते हैं और उन्होंने आके यहाँ माहौल खराब किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ नशा के मुक्ति के लिए उन्होंने ये अपने बच्चों को यहाँ पे समझाने के लिए आए थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि नशा ना करें, जिसके वजह से उनके साथ में घटना घट रही है। और विकास सिंह यहाँ का नेतृत्व करते हैं तो उन्होंने अपनी भीड़ इकट्ठा कर लिया, उनका तो काम ही यही है भीड़ इकट्ठा करना। ये मारपीट कहाँ पे हुआ था? ये मारपीट यही बस्ती में हुई है, उलीडी के आसपास में या बस्ती में हुई है। अच्छा, तो जिसका हम लोग उनकी गाड़ियां भी तोड़ दी गई और उनको बंद भी कर दिया। इस्माइल आजाद साहब का बेटा रिहैब सेंटर में था क्या, नशा मुक्ति केंद्र में? नशा मुक्ति केंद्र में था। क्या नाम है उसका? मालूम शायद नाम है। उसको लेने आए थे? उसको लेने के लिए आए थे। इसी बीच में यहाँ पे विवाद बढ़ गया, अब पुलिस उसे खुद लेके आई है, उसे बंद भी कर दी है, उनकी गाड़ियां भी तोड़ी। जिन्होंने मारा उनको नहीं रखा है विकास सिंह के कहने। कितने लोगों को अभी थाने में रखा गया? 3 है, उनके 2 बेटे हैं और इस्माइल आजाद साहब। गाड़ी कहाँ कहाँ तोड़ा? सब लोगों ने तोड़ते हुए लाया उनको, तो यहाँ गाड़ियां थाना में ला के रखा दिया, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया उनको। क्या नाम हुआ? हमारा समर खान मिश्रा जी। घटना की सूचना प्राप्त हुई थी थाना में, तो थाना के स्टाफ लोग गए हुए थे, तो वहाँ पर देखा गया कि कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो लोगों को रोका गया और
हुआ कि आपस में क्यों मारपीट कर रहा है, तो पता चला कि एक विभूति फाउंडेशन है जिसमें नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ एक लड़का एडमिट था। ट्रीटमेंट के बाद वो अपना घर गया हुआ था। उसके बाद वो उसके परिवार वाले लोग आके जो भी ट्रीटमेंट का जो फाउंडेशन है उसके स्टाफ लोगों का और बगल में जो होटल का संचालक लोग है उन लोग के साथ मारपीट की घटना की है। सर, सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है, उस बोला जा रहा है कि पुलिसकर्मी जब वहां पर गए तो पुलिसकर्मी के साथ भी उन लोग उलझा है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हैं, उन लोग को अभी थाना में लाया गया है। कितने लोग इसके घायल हुए हैं सर? एक दो, एक का उंगली में लगा है, हाथ में लगा है, बाकी अभी कुछ लोग आए नहीं है, आते हैं तो पता चलेगा। क्या नाम है सर उनका? चोट लगा है उन लड़का का नाम तो क्लियर नहीं है। सर, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं दोनों पक्षों से? अभी है दो तीन लोग हैं। सर, इससे प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? दोनों जो भी FIR दिया जाएगा उन लोगों की तरफ से कंप्लेंट किया जाएगा तो हम FIR की कार्रवाई करेंगे। मारपीट अगर कोई घटना कानून को भी हाथ में लेता है तो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। ठीक है, आप इसमें आप अपने लोग हैं, आप अपने होके आप आके बात करते कि भैया क्या हुआ, हम लोग सब शॉर्ट आउट कराते हैं। हम लोग का नेता है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।